वाणी में आपका स्वागत है। रोग क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों आती है, इसका पार्ट टू भाग दो में आपका स्वागत है। विभिन्न कारण होते हैं जिनकी वजह से अचानक दुर्घटना होती है, करंट लगते हैं और रोग के रूप में भारी विपदा आ जाती है। अब कौन कौन से कारण हैं कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार को किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति मिलती है, चाहे वह नगद में मिले या मकान संपत्ति के रूप में मिले, तो उसका 50% हिस्सा तुरंत दान में दे देना चाहिए, अन्यथा वह परिवार पर रोग के रूप में भारी विपदा आएगी, क्योंकि वह संपत्ति जिसने प्राप्त की है उसके द्वारा मेहनत करके नहीं कमाई गई है। उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उसे यथाशक्ति उपाय करना चाहिए। ऐसी विपदा दबे कदम आती है, अचानक आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है कि अचानक दुर्घटना घटित हो जाए, अचानक बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हो जाए। किसके लिए वो पैसा प्राप्त किया आपने? अपने बच्चे के लिए प्राप्त किया और बच्चा ही मर जाए, छत से गिरकर बच्चे की मृत्यु हो सकती है, आत्महत्या कर सकता है बच्चा। किसी का गड़ा हुआ धन प्राप्त होना भी बीमारियों को बुलावा देना होता है। इसके लिए भी जितना प्राप्त हुआ हो गड़ा धन, उसका 50% हिस्सा दान धर्म में अवश्य निकालना चाहिए, तो रोग नहीं आएंगे, अन्यथा अचानक बीमारी, दुर्घटना या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बिना मेहनत का कोई भी रुपया, पैसा, धन, दौलत आपको प्राप्त होगी, वह अपने साथ में रोग, शोक, दुख, क्लेश, नाश, क्रोध, अशांति यह जरूर साथ में लेके आएगी। इनसे बचना हो तो जितना पैसा प्राप्त हुआ है उसका 50% राशि तुरंत दान धर्म में लगा देना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ रुपया पैसा ही फलता है, उसके उपयोग से सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी प्राप्त होती है और विधाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धर्मराज महाराज की कृपा होती है। यदि किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो जाती हो तो सर्वप्रथम प्रायश्चित स्नान करना चाहिए। यह स्नान किसी ब्राह्मण के निर्देशन में हो जिसको प्रायश्चित स्नान कराना आता हो। प्रायश्चित स्नान करने के बाद में 7 प्रकार का अनाज यानी 7 कलर का अनाज आप लें और फिर 5 पेड़ के 11 पत्ते लेकर उसमें उबालें और उबले हुए पानी से रोगी व्यक्ति को निलहाएं। पानी नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उठाएं और बोतल में बंद कर किसी गंदे स्थान पर फेंक कर आवें। यह कार्य कम से कम 5 बार अवश्य करें, पीछे मुड़कर न देखें, घर आकर हाथ पैर धो ले और 1 दीपक लगावे जो रात भर जल सके, तो वो लाइलाज बीमारी धीरे धीरे इलाज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, इलाज होकर के वो ठीक हो सकता है। जो तिल जो हवन में प्रयोग होता है, जौ जो एक हवन में प्रयोग होता है, लाइलाज बीमारी के रोगी व्यक्ति के वजन के बराबर तोलकर 7 बार उतारकर समुद्र में सोमवार को दोपहर के बाद डाल दो और महामृत्युंजय का हवन करा लीजिए। लाइलाज बीमारी धीरे धीरे लाइलाज नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो ये टोटका है कि क्रीम कलर का धागा लेकर सिर से लेकर पैर तक 7 बार रोगी के ऊपर से नापो और रोगी की जितनी उम्र हो उतनी उसमें गठान लगा दो और 1 पानी वाले नारियल के ऊपर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर बांध दो और रोगी के पुराने कपड़ों के साथ उसे जमीन में गाड़ दो। जहां भी गाड़े वहां की धूल रोगी के मस्तक पर लगा दो।
यह कार्य कम से कम 5 बार करें, पीछे मुड़कर न देखें, घर आकर के हाथ पैर धोले और एक दीपक लगावे जो पूरी रात भर जल सके। तो जो भी लाइलाज बीमारी होगी, चाहे वो किडनी की होगी, शुगर की होगी, हार्ट की होगी, वह बीमारी लाइलाज नहीं रहेगी, इलाज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आयुर्वेदिक इलाज कराएं, एलोपैथिक इलाज कराएं, इलाज लगने लगेगा। यदि ग्रह पत्नी यानी लक्ष्मी की तबीयत खराब हो, धन पत्नी की तबीयत खराब हो, तो प्रत्येक सोमवार को लगातार कई सोमवार तक 9:30 से 10:30 के बीच में एक नारियल पंडेरी यानी कि ऐसा स्थान जहां पर पानी का मटका रखा जाता है, उस स्थान को पंडेरी बोला जाता है। उस पंडेरी पर 21 बार रोगी पर से उतार कर पंडेरी पर फोड़ें, फिर नारियल को नदी या तालाब में डाल दें, किसी को खाने के लिए नहीं दें, तो धीरे धीरे धन पत्नी या स्त्री की तबीयत ठीक होने लगेगी। जिसको विभिन्न प्रकार से बार बार बुखार आता हो, उन्माद उत्पन्न होता हो, ताप उत्पन्न होता हो, शरीर में अग्नि उत्पन्न होती हो, तो इसका अर्थ यह है कि महाशक्ति धूमावती के शाप से उसको यह दुख प्राप्त हो रहा है। श्री दुर्गा सप्तशती का हवन उस पीड़ित व्यक्ति के हाथ से करवाएं, बारंबार करवाएं, कई बार करवाएं, धीरे धीरे महाशक्ति धूमावती का शाप समाप्त हो जाएगा। किसी मनुष्य को मूर्छा आती हो, अंग में भंग होता हो, तो यम की कृपा से ये अंग भंग होते हैं और मूर्छा आती है, यमराज की कृपा से। अतः यम की पूजा करें। यह पूजा केवल अमावस्या व शनिवार को ही की जाती है और सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। गठियावाद, शूल की बीमारी, ग्रसधी की बीमारी, लकवे की बीमारी, ये वरुण देवता के द्वारा दी जाती है। यानी जल, जिसको जल दोष होता है उसको ही लकवा लगता है, हर मनुष्य को लकवा नहीं लगता। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर जल दोष जिसको होता है उसको ही इस जन्म में लकवा भोगना पड़ता है। जल की पूजा करें, 7 प्रकार के अनाज का उतारा कर बहते पानी में विसर्जन करें या तालाब में विसर्जन करें। रोजाना 1 आटे का पिंड बनाकर 7 बार रोगी के ऊपर से उतार कर किसी नदी किनारे जाके एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर 41 दिन तक उस पिंड की छोटी छोटी गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं। लकवे की बीमारी वाले मनुष्य को रोगी जो होता है उसका तुलादान कराकर कोड़ियों में बांटे। तुलादान का मतलब होता है अपनी उस पीड़ित व्यक्ति की वजन के बराबर अन्न को तोल करके गरीबों में, कोड़ियों में, विकलांगों में बांटना, जिससे भी रोग की मुक्ति होती है और लकवा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जल की भरी हुई मटकी को रोजाना रात को रोगी के ऊपर से उतारें और किसी भी तिराहे चौराहे पर रख करके आ जावें, और आने के बाद हाथ पैर अवश्य धो लें। और यदि किसी मनुष्य को कैंसर रोग हो गया हो तो महामृत्युंजय के 1,51,000 विधि विधान से जप करवाएं तो कैंसर भी ठीक होने लगेगा। विधि विधान का मतलब होता है जिसने महामृत्युंजय का मंत्र का पूरा पुनश्चरण किया हो। रोजाना रुद्र अभिषेक उसमें होता है, जप होता है, रोजाना दशांश हवन होता है। घर में यदि भयंकर रोग, कलह और दरिद्रता हो तो यह सब मां धूमावती के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का हवन करें तो घर से भयंकर रोग, कलह और दरिद्रता समाप्त होती है। एक रामबाण इलाज है, दुर्गा सप्तशती से कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। पाठ करें और हवन करें और निरोगी रहें। जय मां कामाख्या का।